भाई ने जैसे बोला कि जिला अस्पताल के बारे में, भाई को बताना चाहूंगा कि डायलिसिस के मरीज खड़े होकर बिलासपुर रायपुर जाके लाइन लगाते थे। डायलिसिस की व्यवस्था पिछले सरकार में हमारे नेता भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। और एक भाई बोल रहे थे मेडिकल कॉलेज दिया है, अरे भाई मेडिकल कॉलेज यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दिया गया है, जो अभी पूर्ण रूप से तैयार होने वाला है, उसको तो कांग्रेस दी है। भैया आप लोग बीजेपी कभी भी बच्चे लोग जितने भी खड़े हैं बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेगी, राम मंदिर के बारे में बात करेगी। जब मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बने थे तो हम ऐसा बोले थे कि मैं बेरोजगार दूं, मैं सब बेरोजगार हैं उनको रोजगार दूंगा, किसी को रोजगार नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ अब पूरे जनता जांगी है, भांडा फूट चुका है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोर नाम नूतन कुमार भारद्वाज है और मोर सवाल है बेरोजगारी भत्ता ऊपर है। मोला 4 से 5 महीना हो गए मोला बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला थे और मैं यहाँ गाँव वाला छोड़ के यहाँ रहे आए हूँ। सीधे खड़े रहो, यहाँ माइक ऊपर कर लो, सीधे खड़े। मैं यहाँ गाँव वाला छोड़ के पढ़े बा आए हूँ और जो मोला 2500 बेरोजगारी भत्ता मिला रही वो मोला नहीं मिला थे। पहले मिलता था? मिलता था पहले। कितने वक्त तक मिलता रहा? अब लगभग 4 महीने तक मिला था 2500 रूपया, अब 4 से 5 महीना हो गए अभी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। खिलावन साहू जी क्यों बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया? हम लोग बेरोजगारी भत्ता नहीं बंद किए, इन लोग प्रोपोगंडा किए थे कांग्रेस वाले जो है। एक गांव में एक आध जने को बेरोजगारी भत्ता मिलता था, पता कर लीजिए। और हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास इस पर विश्वास करती है। उनका बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ वो क्या उसके लिए क्या उनका कोई बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं हुआ है, केवल जो है एक एक लोगों को जो है एक एक गाँव में जो है मुश्किल से मिलता था 25 रूपए देने का। भूपेश बघेल जी की सरकार में छत्तीसगढ़ के सवाल 1,30,000 बेरोजगार भाइयों को 2500 रूपये महीना मिलता था, जिसमें एक भाई मेरे अभी खड़े हुए हैं। 1,30,000 बेरोजगारों को मिलता था। जब से एसआई जी की सरकार आई है विष्णु जी के सुशासन में किसी रोजगार को कहीं पे कोई भत्ता नहीं दे रहे, और इसीलिए कांग्रेस बोल रही है कि आने वाले समय में 30 लाख हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, नौकरी निकालेंगे, और बाकी लोगों को जो बच जाएंगे डिग्रीधारी बीए बीकॉम बीएससी डिप्लोमा और डिग्री सबको 1 लाख देने का वादा कांग्रेस राजीव राहुल का। ठीक है, बीएससी घोटाला करेंगे, बीएससी घोटाला। खड़े हो जाइए सर। कांग्रेस बोलती है कि 30 लाख को रोजगार देंगे, मैं बोल रहा हूँ जिसकी कोठी में धान नहीं वो जिसके घर मुसवा उपास, 220 सीट में तो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस मात्र 220 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि चुनाव जीतने के लिए सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। इनकी तो सरकार बननी नहीं है। जिस प्रकार अमित जोगी जी ने कहा था कि मैं 400 रुपए धान का क्विंटल दूंगा, उसी प्रकार ये राहुल गांधी का घोषणा पत्र है 200 में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भाजपा के भाजपा से प्रश्न करना चाहता हूं कि 2014 से लेकर के 2024 तक हमारे देश के प्रधान सेवक द्वारा कहा जाता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इस गुप्त जो चुनावी चंदा, अरे कितनी सीट पर लड़ रही है कांग्रेस पहले ये बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, इनका इनका कहना यह है कि आप बेरोजगारी के बारे में बात मत कीजिए, आप जवाब ही दे रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। पहले आप ये स्पष्ट करिए कि आप चुनाव जीतेंगे कैसे, और जीतेंगे तो 1,00,000 रुपया कैसे देंगे। अडानी अडानी अंबानी का केस वो कह रहे हैं कि कैसे देंगे। आइए रुके आप आगे आइए। अरे सशक्त नारी कैसे बनेंगी, सवाल नहीं पूछेंगी तो? जैसे किसानों का हजारों करोड़ों कर्जा माफ हुआ था, वैसे ही सारे लोगों को 1,00,000 रुपए मिलेगा। इस बात को मानिए कि जो हिंदुस्तान है ये हमारा देश, इस देश की आत्मा हमारे भगवान श्री राम है। बच्चा बच्चा राम का है, इस देश का बच्चा जब सांस लेता है तो राम बोलता है। अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, सृष्टि का आधार है राम। बताने की जरूरत है, आगे बढ़िए। नहीं सवाल पूछिए, कायदे का सवाल पूछिए। 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। भूमिका मत बांधिए, पीछे जाइए पहले। पूरे भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो
तो वो है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, ठग सरकार। आज इसके आईपीएस आईएएस जेल में बंद है, इसका जवाब चाहिए। मैडम 1,00,000 करोड़ की बात करते हैं, 45 लाख करोड़ देश का बजट है, 54 लाख करोड़ खर्च करेंगे, कहां से आएगा इतना पैसा 1,00,000 रुपए देने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी हुआ है, 600 करोड़ भारतीय जनता पार्टी पाई है, तो 1,400 करोड़ रुपए कहां गया? 1,400 करोड़ तो ये लोग पाए ना, कांग्रेस को मिला है। गाय की मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले गाय को माता बोलते हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है, तो समझ में नहीं आता कहाँ का राष्ट्रवाद है, खोखला राष्ट्रवाद है आप लोग का। आ गया ये। देखिए ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, ये पाकिस्तान कंपनियों से चंदा ले रहे, बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे, ये गौ मास के नाम पर राजनीति करते हैं, ये लोग क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये देशभक्ति और अन्य विषयों में पूछ रहे हैं, कांग्रेस की पूरी टीम से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के आजादी में ऐसा कोई तीन कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताएं जिन्होंने देश में आहुति दी है अपनी, जिन्होंने इसके अंग्रेज की सरकार में फांसी में जिनको लटकाया गया है, ऐसा कोई तीन बताएं। ये देश को हमने आजाद कराया है कहते हैं ये देशभक्त, कोई तीन कांग्रेस नेताओं का नाम बता दें। तीन हिंदुओं ने मारा है इस देश के गांधी को, कोई मुसलमान नहीं मारा है इस देश के गांधी को, जिन्होंने और वो तीन कांग्रेसी पूछा। आगे आइए, सवाल किसका आगे आइए, सब यहाँ पर देख रहे हैं, तभी छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो पा रहा क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। यहाँ कोई सवाल किसी के पास? बीजेपी वाले यदि भारत के आजादी में अपना एक नाखून भी कटाए हैं तो बता दे, जो भी आजादी में अपने जान की आहुति लगाई है वो कांग्रेस के थे, भगत सिंह आजाद थे, खुदीराम बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब थे। और जो पीछे खड़े नारेबाजी कर रहे हैं, अराजकता मत कीजिए, सवाल पूछना आ गया ये, तो मत पूछिए सवाल, नारेबाजी मत कीजिए वहाँ से, ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, सवाल पूछिए का मन चाहिए। आपने विकास पे सवाल पूछा है, नगर पालिका अध्यक्ष जी यहाँ के कांग्रेस के हैं, 2023 में नाली निर्माण में कमठा मतलब बांस डाल के ढलाई कर दिया जाता है, ये इनका विकास है, कांग्रेस सरकार का विकास है। 2023 में इस नगर पालिका में वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नाली में सरिया के बदले बांस डाल के ढलाई की है, ये इनका विकास है। ये विकास है क्या आपका? नगर पालिका अध्यक्ष को चाहिए ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के थे, उसने भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बांस का डंडा डाले थे, मैंने पूरा नाली को तोड़वा दिया था, उसका पेमेंट रोक दिया हूँ, इन लोगों को समझ में नहीं है। वो खड़े हो गए क्या? सवाल पूछना आपको, कहना है आपको कुछ? आप खड़े क्यों हो गए, सवाल पूछना है क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ, माइक खा जाइए। 5 सालों में क्या किया गया है, सिर्फ वो अपने ही पार्षद का ही जगह को कराया है काम, बाकी कोई पार्षद का काम नहीं हुआ है। नहीं एक ही जगह नहीं, बार बार कोई और सवाल यहाँ से आई, माइक मेरे हाथ में रहेगा। मैं दोनों पार्टियों से सवाल पूछना चाहता हूँ, नाला ओवर ब्रिज का निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया करवाया गया है? ओवर ब्रिज का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? जी जी देखिए, अभी एक खोखसा फाटक का ब्रिज बना, बिर्रा फाटक का ब्रिज बना, हमारे शक्ति में 30 करोड़ का जो है टेमर फाटक का ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है, अभी यहाँ पर आगे जो है 30 करोड़ का अंडर ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है और भारद्वार में हुआ है, ये भी बन जाएगा आने वाला समय में। हमारी सरकार में हमारे मोदी जी चाहते हैं सभी जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता है ओवर ब्रिज बने, अंडर ब्रिज बने, ये भी बन जाएगा। आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनवाया? हमारी सरकार मनमोहन सिंह के सरकार में खोखसा को ओवर ब्रिज पास हुआ था और आज इनकी सरकार में लेट हुआ और हमारी सरकार में ही उसका उद्घाटन भी हुआ। और नैला के ओवर ब्रिज की बात करते हैं, व्यास कश्यप विधानसभा में डंके के चोट पे वहां पे उठाया,
मंत्री को जी को मैंने कहा और मैं डीआरएम और डीएम वहां से मिल करके उसका सेंक्शन व्यास कश्यप और विधायक कांग्रेस का कराया है। इनका कहीं पे कोई योगदान नहीं है। ठीक है, पीछे से एक सवाल है, आगे आइए आगे नहीं।